क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि युवराज सिंह की फिर से टीम इंडिया में तूफानी वापसी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, फिलहाल भारत में खेली जा रही है सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी। ऐसे में आपको बताऊंगा युवराज सिंह का सैयद मुश्ताक अली का तूफानी प्रदर्शन। आपको बता दूं, हाल ही में रेलवे और पंजाब के बीच में मैच हुआ था और पंजाब की टीम को रेलवे की तरफ से 160 रनों का लक्ष्य मिला था। आपको बता दूं, पंजाब की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी करते हैं युवराज सिंह। ऐसे में युवराज सिंह ने नंबर 4 पर आकर तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। आपको बता दूं, युवराज सिंह की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब की टीम इस लक्ष्य को मात्र 3 विकेट जाते हुए ही प्राप्त कर लिया। आपको बता दूं, युवराज सिंह ने 71 रनों की तूफानी पारी खेली वो भी मात्र 44 गेंदों में, जिसमें से युवराज सिंह ने 6 तूफानी चौके लगाए थे। आपको बता दूं, युवराज सिंह की 71 रनों की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब की टीम इस लक्ष्य को मात्र 3 विकेट में ही जीत पाई। लेकिन इसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि युवराज सिंह ने अपनी इनिंग के 15 ही गेंदों में 36 रन जड़ दिए थे। इसी के कारण पंजाब की टीम का स्कोर धाकड़ तरीके से आगे बढ़ता चला गया और पंजाब की टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर पाई। दोस्तों, ये बात तो अब साफ है कि युवराज सिंह अपने फॉर्म में फिर से नजर आ रहे हैं और हाल ही में अब मई 23 से शुरू होने वाला है IPL 2019 का मुकाबला। देखते हैं युवराज सिंह का तूफानी प्रदर्शन जारी रहता है 2019 IPL में या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विश्व कप 2019 से पहले युवराज सिंह अपनी टीम इंडिया में वापसी पक्की कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। और अब अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।